एक दिन और तीन सुपर ओवर, आईपीएल का नया इतिहास। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट द पैशन में आपका स्वागत है। 18 अक्टूबर यानी संडे क्रिकेट फैंस के लिए पूरी तरह फंडे था। आईपीएल के इतिहास में पहली बार फैंस ने एक दिन में तीन सुपर ओवर्स का मजा उठाया। संडे का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 163 रन बनाए और जवाब में एसआरएच ने भी 163 रन ही बनाए। सुपर ओवर के लिए केकेआर ने लॉकी फर्ग्यूसन पर भरोसा दिखाया। फर्ग्यूसन ने शानदार बॉलिंग करते हुए वार्नर और अब्दुल समाद को आउट किया और सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 2 ही रन बना पाई। जवाब में केकेआर के कैप्टन यॉन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक ने आसानी से 3 रन बनाकर मैच जीत लिया। दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला गया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब भी 176 रन ही बना पाए। इसके बाद दिन के दूसरे सुपर ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग की। बुमराह ने निकोलस पुरन और केएल राहुल दोनों का विकेट लेते हुए पंजाब को 5 रन पर ही ढेर कर दिया। मुंबई की तरफ से कैप्टन रोहित शर्मा और डीकॉक बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन दोनों शमी की शानदार गेंदबाजी के सामने 5 रन ही बना पाए और इसके साथ ही दिन का तीसरा सुपर ओवर खेला गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। दिन के तीसरे और आखिरी सुपर ओवर में पोलार्ड और हार्दिक पंड्या मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए, जबकि क्रिस जॉर्डन पंजाब के लिए गेंदबाजी कर रहे थे। मुंबई ने पंड्या का विकेट खोकर 11 रन बनाए। इसके जवाब में क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी ट्रेंट बोल्ट पर भारी पड़ी और पंजाब ने मैच जीत कर आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स में पहुंचने की अपनी उम्मीद को जिंदा रखा। आपको बताते चले कि आईपीएल के इतिहास में इससे पहले कभी भी एक दिन में 2 सुपर ओवर भी नहीं खेले गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और लाइक भी करें। साथ ही मेरे चैनल स्पोर्ट द पैशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।